नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सवेरे 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्वाचित सांसदों से सदन में सार्थक चर्चा में भागीदारी से नए भारत के निर्माण में योगदान की अपील की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के उत्तरी और मध्य भागों में आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाएगा। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 23 रन से हराया। आज अंतिम लीग मैच में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वर्ष 2019-20 का आम बजट आज संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में सवेरे 11 बजे बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का भी पहला बजट होगा। वित्त मंत्री ने कल शाम वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप दिया। आम बजट सरकार के वार्षिक राजस्व और व्यय तथा आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय अनुमानों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। समूचे देश को आम बजट से की प्रतीक्षा है। आंध्र प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि ये बजट नागरिकों के अनुकूल होगा। वित्तीय विश्लेषक एमसी दास ने कहा कि लोग आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के केंद्रीय बजट में कई सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट 2019-20 पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2019-20 के बजट पर विशेष लाइव कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें विशेषज्ञों द्वारा बजट का गहराई से विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं शामिल की जाएंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ट्विटर, AIR न्यूज अलर्ट, फेसबुक न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तथा हमारी वेबसाइट newsonair.com पर उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सर्वेक्षण में 2025 तक भारत को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति की समीक्षा के लिए अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य निर्यात और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार घाटा कम करना है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई थी। ये 5 वर्ष के लिए वैध है और 31 मार्च 2020 को समाप्त होगी। मंत्रालय इस संबंध में निर्यातकों, उद्योग संघों, कमोडिटी बोर्ड, विदेशी दूतावासों, राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों सहित सभी पक्षों से परामर्श कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्वाचित सांसदों से राजनीतिक मतभेद दूर करने और सदन में सार्थक चर्चा में भागीदारी से नए भारत के निर्माण में योगदान की अपील की है। नवनिर्वाचित सांसदों के लिए कल नई दिल्ली में आयोजित परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सांसदों को संसद से संबंधित मुद्दे ही उठाने चाहिए और उनके भाषण इन मुद्दों को समझने में सहयोगी होने चाहिए। प्रभावी संसद बनने के 3 हिस्से हैं। एक, संसद के अंदर प्रभावी पन, दूसरा, संसद के माध्यम से आपके क्षेत्र के अंदर प्रभाव खड़ा करना, और तीसरा, संसद के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर संसद के प्रभाव को बढ़ाकर अंततोगत्वा संसद का प्रभाव ही हम सब में निहित होता है। तो इस प्रकार के संसद के प्रभाव को बढ़ाकर अपने प्रभाव को बढ़ाना।
गुजरात में आज गांधीनगर में राज्य विधानसभा परिसर में राज्यसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव होगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और उत्तरी गुजरात से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुगलजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने दक्षिण गुजरात से पार्टी नेता गौरव पांड्या और पूर्व मंत्री चंद्रिका चुड़ासमा को मैदान में उतारा है। ये सीटें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा सीट से इस्तीफे के कारण रिक्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के नरवानी इमाम साहब इलाके में आज सुबह आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर इलाके में अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों के निकट पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सूत्रों ने बताया कि दो से अधिक आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं। गोलीबारी अभी जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इस बीच मुठभेड़ स्थल और आसपास एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के उत्तरी और मध्य भागों की ओर बढ़ गया है। इसकी वजह से कई राज्यों दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल हल्की से सामान्य वर्षा हुई। दिल्ली में हल्की बारिश से 16 दिन से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कल मॉनसून पूर्व बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कहीं तेज तो कहीं कम बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में भारी बारिश के कारण सड़क संपर्क टूटने की स्थिति बन गई है। जबलपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी खूब बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक यही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी भारी बारिश की चेतावनी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। महाराष्ट्र में तटवर्ती रत्नागिरी जिले में तिवरे बांध टूटने से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कम से कम 5 लोग अब भी लापता हैं। तटवर्ती कोंकण क्षेत्र के चिपलुण तहसील स्थित बांध लगातार भारी बारिश के कारण मंगलवार को टूट गया था। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम ने मलाड में दीवार ढहने की घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों का दल गठित किया है। ये दल 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक जयंत दास ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में बैंक धोखाधड़ी के मामले में 73% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी धोखाधड़ी प्रशासन और संकट प्रबंधन पर कल मुंबई में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जयंत दास ने कहा कि जिन मामलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ वे प्रबंधनों द्वारा हुए जिनके पास प्रणाली को नियंत्रित करने की सामर्थ्य और जिम्मेदारी थी। मणिपुर में पूर्वी इम्फाल के खुराई सजोर लेकई में भारतीय जनता पार्टी विधायक एल सुसिंद्रो के आवास के निकट एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मिजोरम में मादक पदार्थों की लत खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। राज्य में नशे की लत और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता और कार्रवाई बढ़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्वैच्छिक संगठन मादक पदार्थों की आपूर्ति के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े हैं। कई स्वैच्छिक संगठन नशे की लत और इसकी तस्करी पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इन संगठनों का मकसद है गिव सपोर्ट डोंट पनिश। यंग मिजो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वन लन घेटा ने आकाशवाणी को बताया कि ये संगठन नशे की आपूर्ति की रोकथाम का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ विभाग की मदद से नशीले पदार्थ बेचने और प्रयोग करने वालों के घरों में छापे मारने के बाद बरामद मादक पदार्थों को जला दिया जाता है। संगठन नशे के आदि युवाओं के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करता है।
संगठन के सहयोग से वेंगलुई क्षेत्र के श्री वन ललबुआना खतरनाक नशे की लत से मुक्त होने में सफल रहे हैं। नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए परिवार और मित्रों का सहयोग बेहद जरूरी है। आइजोल से इरीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अब्दुल कावी अहमद यूसुफ फैसला सुनाएंगे। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जाधव से मिलने की अनुमति देने से पाकिस्तान के इनकार के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल रात लीड्स में वेस्टइंडीज ने अपने अंतिम लीग मैच में अफगानिस्तान को 23 रन से हरा दिया। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 311 रन बनाए। शाई होप ने 77 और एविन लुइज ने 58 रन का योगदान किया। निकोलस पुरन ने 43 गेंदों में ताबड़तोड़ 58 रन बनाए। होप को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अफगानिस्तान की टीम 312 रन के लक्ष्य के जवाब में 288 रन ही बना सकी। आज लॉर्ड्स में पाकिस्तान का मुकाबला अपने अंतिम लीग मैच में बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए रवि। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दुबई हवाई अड्डे के खुदरा दुकानों पर अब भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाएगी। दुबई ड्यूटी फ्री कंपनी ने यह घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि अगर कुछ पैसे वापस करने होंगे तो ये रुपए में नहीं बल्कि दिरहम मुद्रा में वापस किए जाएंगे। दुबई हवाई अड्डा स्थित स्टोर 100, 200, 2000 और 500 रुपए सहित विभिन्न भारतीय मुद्रा स्वीकार करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। अधिकांश अखबारों ने आम बजट से पहले संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की खबर को अलग अलग शीर्षकों के साथ दिया है। जनसत्ता को लगता है आम बजट से पहले ये विकास की आस है। दैनिक भास्कर ने मुख्य बिंदुओं की चर्चा की है। देशबंधु ने लिखा है तेजी से बढ़ती दुनिया की अर्थव्यवस्था बना भारत, महंगाई पर लगी लगाम। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है 8% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य। अखबार ने विश्व अर्थव्यवस्था की मुश्किलों के बीच बजट और निर्यात में बढ़ोतरी की आवश्यकता का जिक्र किया है। लगभग सभी अखबारों ने आज पेश किए जाने वाले बजट से पहले अपेक्षाओं पर विशेष चर्चा की है। राष्ट्रीय सहारा को लगता है एक देश एक कर की अवधारणा पर भी बजट में चर्चा हो सकती है। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है 49 साल बाद आम बजट की कमान महिला के हाथ। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला 17 जुलाई को आ सकता है। ये खबर कई अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। उत्तर भारत की ओर बढ़ते मानसून पर भी अखबारों की नजर है। अमरनाथ यात्रा के दौरान 12,000 फुट पर ऊपर से गिर रहे पत्थरों से यात्रियों की जान बचाने के लिए ढाल की तरह खड़े रहे आईटीबीपी के जवान, ये खबर अमर उजाला राजस्थान पत्रिका में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सवेरे 11 बजे लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्वाचित सांसदों से सदन में सार्थक चर्चा में भागीदारी से नए भारत के निर्माण में योगदान की अपील की। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के उत्तरी और मध्य भागों में आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाएगा। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।